फ्रेंड्स वेलकम टू A1 ट्यूटर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोरंडा कॉलेज रांची के फी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है डोरंडा कॉलेज रांची का UG BA BSc BCom का फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वह जारी हो चुका है। ठीक है, आप यहां पे भी देख सकते हैं दोस्तों जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है वह जारी हो चुका है। माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा साउंड का आपको दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं, तो उसी को हम लोग देख लेंगे कि फर्स्ट जो लिस्ट निकाला गया, अब आपका जो एडमिशन होगा तो एट अ टाइम ऑफ एडमिशन आपका कितना मतलब पेमेंट लगेगा, यानी कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आपका एनुअल फ़ी होगा, यहाँ पे आपका जनरल OBC SC ST बॉयज़ सेक्शन आप देख सकते हैं, साथ ही एनुअल जो फी स्ट्रक्चर है वह गर्ल्स का जनरल OBC SC ST का देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल के साथ में आपका कितना फी स्ट्रक्चर होगा, साथ ही फील्ड वर्क अगर होता है तो उसके साथ आपका फ़ी कितना लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, मेंटेनेंस, इंटरनल फ़ी, इन सब तरह के मिला के जो टोटल फ़ी है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं लैब फ़ी, फील्ड वर्क, टोटल फ़ी विथ फील्ड वर्क यहाँ देख सकते हैं 2600 है। ठीक है, वही आप जनरल OBC का है एनुअल फ़ी, बॉयज़ का SC ST का दोस्तों टोटल फ़ी विथ फील्ड वर्क है आपका 2600। ठीक है, इसी प्रकार से आप गर्ल्स का देख सकते हैं, आपका है 1400 रुपया, सेम 1400 है। साथ ही फ्रेंड्स टोटल फी विदाउट फील्ड वर्क प्रैक्टिकल एंड लैब का देख सकते हैं 2400 रुपया होगा, सेम एज इट इज़ सभी का। गर्ल्स का दोस्तों 1200 है, SC ST आप किसी भी कैटेगरी के हैं। साथ ही यहां देख सकते हैं टोटल फ़ी विद प्रैक्टिकल एंड लैब तो 2900 रुपया है, और सेम आपका गर्ल्स के लिए दोस्तों 1700 रुपया, और लास्ट का देख सकते हैं टोटल फ़ी विथ प्रैक्टिकल लैब एंड फील्ड वर्क के साथ में 3100 रुपया है, एज इट इज़ आपका जनरल OBC SC ST कैटेगरी का है बॉयज़ सेक्शन का। साथ ही आप गर्ल्स का देख सकते हैं टोटल फ़ी विथ प्रैक्टिकल लैब एंड फील्ड वर्क मिला के 1900 रुपया है दोस्तों। अब यहाँ देखिए प्रैक्टिकल किस किस डिपार्टमेंट का होता है, तो यहाँ देख सकते हैं बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, और फिर है दोस्तों साइकोलॉजी एंड होम साइंस। और फील्ड वर्क में जो होता है वो बॉटनी के लिए होता है, जूलॉजी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और थोड़ा सा बैड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ओके फ्रेंड्स।